जनपद मुरादाबाद में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य अजीम कुरैशी को कांवड़ यात्रा में भगवा कपड़ा पहनकर शामिल होना भारी पड़ गया। अजीम कुरैशी के भगवा कलर के कपड़े पहनकर कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों का वाहन खींचने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुरादाबाद के चंद कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अजीम कुरैशी की जमकर आलोचना हो रही है। इसके बाद अजीम कुरैशी को मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगनी पड़ी। अजीम कुरैशी मुरादाबाद में मीट कारोबारी हैं और वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन से काफी समय से जुड़े हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। सोशल मीडिया पर आकर अजीम कुरैशी ने बयान जारी किया कि वो सबका साथ सबका विकास वाली मुहिम के तहत कांवड़ यात्रा के दौरान सहयोग करने में लगे हुए थे। कांवड़ के अंतिम सोमवार के मौके पर दिल्ली रोड पर उनके कैंप के पास एक कांवड़िए का वाहन फंस गया था, जिसे उन्होंने सहयोग करके आगे बढ़ाया, जिसकी किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उनके बारे में सोशल मीडिया पर अपशब्द लिखना शुरू हो गए। मजबूरी में अजीम कुरैशी को अपने व्यापार के कारण मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं से मिलकर सामूहिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। तब जाकर कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अजीम कुरैशी को बख्शा। लेकिन सोशल मीडिया पर अजीम कुरैशी की कांवड़ियों की सेवा करते और फिर बाद में माफी मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, कल मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे से हूँ, और कल मैं इस प्रोग्राम में गया था। हमारे विनोद जी का जो है वो कल मंच लगा हुआ था वहाँ पर, सब मतलब ये कि सेवा कर रहे थे, हम भी सेवा के लिए गए थे, जो शिव भक्त हैं उनकी सेवा के लिए गए थे, और जैसी भी हमसे सेवा हुई हमने करी। लिहाजा देखिए, ऐसा है, हमारे मंच के आगे एक तिलौरी जो थी, एक गाड़ी वो बंद हो गई थी, जहाँ से हम लोगों को खान पान दे रहे थे वो हमारी जगह तंग हो गई थी। तो रथ जो था ये बिल्कुल उसी का आगे खड़ा हुआ था हमारे मंच के, लोगों को खाना पाना खान पान लेने में परेशानी और तकलीफ हो रही थी। तो हमारे जो वर्कर लगे हुए थे वहाँ पर, उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए ऐसा है, ये पहिए का जो है, ये रथ का पहिया जो है ये भी ख़राब हो गया है, टूटा हुआ है, आप थोड़ा सा आगे बढ़वा दीजिए। तो इस रथ को मैं आगे बढ़वा रहा हूँ और मैंने बढ़वाया है, और ये जो मेरी फ़ोटो खींची गई है ये एक स्क्रीन फोटो खींची गई है, वीडियो से समझ रहे हैं। मैं एक ईमान वाला बंदा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर मैं पार्टी में हूँ तो मैं अपना धर्म बदल दूँगा, मैं अपने धर्म पर कायम हूँ और धर्म पर कायम रहूँगा जब तक भी हूँ, और पार्टी की सेवा करता हूँ, पार्टी में थोड़ा छोटा मोटा कार्य करता हूँ, जैसे भी जिस तरह से भी होगी और सेवा करता रहूँगा। अच्छा, ये वायरल जो वीडियो हो रहा है, वीडियो कहाँ का है, किस जगह का वीडियो? ये विनोद जी का, जो हमारा 5 स्टार है विनोद जी का हॉलीडे, ये वहाँ का है। इसमें आप रथ को खींच रहे हैं, कुछ भगवा झंडा भी, भगवा कपड़े भी पहने हुए हैं। जी जी जी। इसको लेकर बहुत सारे लोग आपत्ति जता रहे हैं, क्या इसमें आप? उनकी वो गलत फहमी है, अगर वो आपत्ति उठा रहे हैं तो वो उनको आपत्ति नहीं उठानी चाहिए, अगर कोई किसी तरह का उनको सवाल करना है तो मुझसे करें, लेकिन यह है कि मैंने इस मौजू पे माफ़ी भी मांग ली है, सारी जनता से माफ़ी मांगी है, अपनी कौम से माफ़ी मांगी है, ऐसा मसला नहीं है, गलती इंसान से ही होती है, अगर हो गई है तो माफ़ करने वाला भी है। आपने मदद करने की नियत से? मैंने ऐसा किया है, मैंने सेवा करने की नियत से ऐसा किया था, और कोई मसला नहीं है इसका आगे।